फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ ये पैटर्न बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही इजी है बनाने में। कोई भी बिगनर जिसे सीधे उल्टे फंदे डालने आते हैं वो इजीली बना सकता है। तो ये पैटर्न जो है हम लेडी, जेंट्स, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे इसे बनाना, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 6+2। तो मैंने यहाँ डाले हैं 14 स्टिचेस, 16 × 2 = 12 + 2 = 14, और ये 16 रोज का पैटर्न है। लेकिन बहुत इजी पैटर्न है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये सीधे उल्टे फंदों का ही पैटर्न है और बनाने में बहुत इजी है और बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से है और यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो पहले हम डालेंगे 2 फंदे सीधे, नीट 2 पर्ल 4, 4 फंदे उल्टे, पर्ल 4, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, नीट 2 पर्ल 4। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न ओवर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होगा, नीट 2 2 फंदे सीधे, पर्ल 4, 4 फंदे उल्टे, 3 और 4। और अब यहाँ पर 2 फंदे रह गए हमारे जो हमने एक्स्ट्रा प्लस लिए हैं, और ये हम सीधे डालेंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट रो। सेकंड रो रॉन्ग साइड से। तो रॉन्ग साइड से फ्रेंड्स जितनी भी रो है वो सारी उल्टी डलेंगी, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। रो नंबर 3rd राइट साइड से। तो ये रो फर्स्ट रो की तरह बनेगी, नीट 2 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, पर्ल 4। देखिए, नीट 2 पर्ल 4। इसी तरह हमारे ये फर्स्ट रो की तरह ही ये 3rd रो बनेंगे, नीट 2 पर्ल 4। देखिए इस तरह से बनेगा ये, और ये 2 फंदे लास्ट वाले हमारे सीधे आएंगे। तो नेक्स्ट है हमारी रो नंबर 4 रॉन्ग साइड से। तो ये रो पूरी उल्टी बनेंगी, ये पूरे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। रो नंबर 5 राइट साइड से। तो ये भी फर्स्ट और 3rd रो की तरह ही बनेंगी, 2 स्टिचेस सीधे डालेंगे। देखिए, नीट 2 पर्ल 4, ये 4 फंदे उल्टे डालेंगे। सेम जैसे हमने फर्स्ट और 3rd रो बनाई है वैसे ये रो बना लेंगे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे ये वाले सीधे, इस तरह से ये फंदे सीधे बनाएंगे और ये 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। और अब हमारी है 6th रो रॉन्ग साइड से, और ये सारी रो हम उल्टी बनाएंगे, उल्टी रो सारी उल्टी बनेंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी पैटर्न है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। बच्चों के लिए भी ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है। रो नंबर 7 राइट साइड से। तो ये भी हमारी वैसे ही बनेंगी जैसे हमने पहले रोज बनाई है, 2 फंदे सीधे, ये 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, नीट 2 पर्ल 4, 4 फंदे उल्टे, और ये 2 फंदे नेक्स्ट सीधे, नीट 2, ये 4 फंदे उल्टे, पर्ल 4, और लास्ट में हमारे ये 2 फंदे सीधे। और 8th रो रॉन्ग साइड से। तो ये रो हमारी पूरी उल्टी बनेंगी, उल्टी साइड से सारी रोज उल्टे फंदों से ही बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस।
अब देखिए यहाँ पर हमारी ये तो मैंने एक रो वैसे ही डाली थी नीचे, और इसके बिना हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 स्ट्राइप्स बन गई। 4 स्ट्राइप्स के बाद मीन्स ये हमारी 8 रोज बन गई। अब हम 9th रो से ये पैटर्न चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये 4 हमारे पास उल्टे स्टिचेस हैं और ये 2 सीधे हैं। अब ये 2 सीधे इन 4 उल्टे के बीच में हो जाएंगे, ये वाले 2 सीधे हो जाएंगे और फिर एक ये वाला स्टिच उल्टा और ये 2 सीधे और एक ये वाला उल्टा, ये 4 जो हैं उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो पहले हम डालेंगे एक फंदा उल्टा, इसके बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब क्या है, 2 फंदे उल्टे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो गया, एक फंदा उल्टा और एक फंदे उल्टे के बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए ये 4 फंदों के बीच वाले फंदे आ गए और इन्हें हम 2 फंदों को सीधा डालेंगे इस तरह से, निट 2, और इसके बाद हमारे ये 2 फंदे उल्टे। अब देखिए इस पैटर्न को छोड़ करके, ये हमारे इस स्टिच को छोड़ करके ये 6 स्टिचेस हो गए हमारे पास। कैसे, पर्ल 2 निट 2 पर्ल 2, तो यही हमारा रिपीट पैटर्न है। अब फिर हम यहाँ पे 2 फंदे उल्टे डालें, अब फिर 2 फंदे उल्टे डालेंगे पर्ल 2। तो देखिए अब ये हमारे पास 4 फंदे हो गए और अब निट 2 और ये 4 फंदों के बीच में ये हमारे 2 फंदे सीधे हो गए जो 4 हमने उल्टे डाले थे। उसके बाद पर्ल 2, तो यहाँ हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है और लास्ट में हमारे पास एक स्टिच बच गया, उससे हम उल्टा डालेंगे। तो ये थी हमारी 9th रो, और 10th रो रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से सारी रोज उल्टी ही बननी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब रो 11th राइट साइड से, तो जैसे हमने 9th रो डाली है सेम ऐसे ही डालेंगे। पर्ल 1, रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, पर्ल 2, निट 2। इधर से जैसे ये वाले फंदे दिख रहे हैं इन्हें हम उल्टा ही डालना है और जो सीधे हैं वो सीधे ही डालने हैं। तो ये पर्ल 2, तो यहाँ हमारा रिपीट पैटर्न ओवर हुआ। अब फिर हम 2 फंदे उल्टे डालेंगे, 2 फंदे सीधे डालेंगे। तो इस तरह हमारे बीच में देखिए 4 फंदे उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे और लास्ट में 1 है उसे भी हम उल्टा बनाएंगे। तब रो नंबर 12, ये सारे रो फंदे जो हैं हम उल्टे ही बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो नंबर 13 राइट साइड से, तो ये भी हमारी 9th और 11th रो की तरह ही बनेगी। पर्ल 1, रिपीट पैटर्न स्टार्ट, पर्ल 2, निट 2, पर्ल 2, रिपीट पैटर्न हमारा, यहाँ पर एक पैटर्न ओवर हो गया। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, पर्ल 2, निट 2, पर्ल 2 और लास्ट 1 इज आल्सो पर्ल। ओके, और अब नेक्स्ट हमारी है 14th रो रॉन्ग साइड से, तो ये रो भी हम पूरे स्टिचेस उल्टे बना करके कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो नंबर 15 राइट साइड से, तो ये रो भी हमारी 13 रो की तरह ही बनेगी। पर्ल 1, रिपीट पैटर्न स्टार्ट, पर्ल 2, निट 2, पर्ल 2, तो यहाँ से हमारा सेकंड पैटर्न स्टार्ट होता है और यहाँ पर पर्ल 2, निट 2, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो लास्ट में हमारा एक स्टिच रह गया, उसे भी हम उल्टा बना लेंगे। और ये है हमारी लास्ट रो ऑफ दिस पैटर्न, 16th रो, तो इसे हम पूरा उल्टा बनाएंगे, उल्टे स्टिचेस बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस।
देखिए ये हमारा पैटर्न इस तरह से बना है। ये मिक्स्ड वूल है मेरी, इसमें भी बहुत सुंदर लगा है। तो आप इसे लेडीज़ जेंट्स के पुलओवर्स में, कार्डिगन्स में, जैकेट्स में, कैप्स में, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, और बच्चों के भी किसी भी प्रोजेक्ट में, ब्लैंकेट्स में भी आप इसे डाल सकते हैं और कैप्स में। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बन करके इस तरह से लगता है। तो फ्रेंड्स जरूर बनाइए, इसे ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय। थैंक यू सो मच।